अगस्त के डिवोर्स पेपर पर कुछ इस तरह से साइन करते वक्त कांपे पाखी के हाथ। कुछ इस तरह से पाखी हुई बेहद इमोशनल, तो वहीं पर पूरी तरीके से टूटा टूटा नजर आया अगस्त। क्या सच में पाखी जो है वो दे देगी अगस्त को तलाक? हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट और इस वक्त फना इश्क में मर जामा सीजन 3 बहुत ही कमाल का चल रहा है, जहां पर आप देखेंगे कि एक बार फिर से क्या जो अगस्त हैं और पाखी हैं वो एक होंगे। क्या पाखी सारे गुनाहों को माफ कर देगी अगस्त के, क्योंकि अगस्त ने अब सोच लिया है कि वो उसे छोड़कर जा रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसने पाखी को बहुत धोखा दिया, पाखी को बहुत हर्ट किया। तो अब बस यहां पर जो अगस्त होता है वो एक बड़ा फैसला लेता है। अगस्त जो है वो डिवोर्स पेपर पर साइन करके रख देता है और जब पाखी को ये पेपर्स मिलते हैं तो पाखी शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद पाखी जो है वो अगस्त को ढूंढते ढूंढते पहुंचती है और फिर यहाँ पर पाखी और अगस्त जो है वो एक दूसरे के सामने नज़र आते हैं, जहाँ पर अगस्त बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड नज़र आता है। तो वहीं पर पाखी उसके ऊपर खूब चिल्लाती है और कहती है कि तुमने अपना काम कर दिया ना, तुमने डिवोर्स पेपर साइन कर दिया, अब मैं साइन करने वाली हूँ, मुझे पेन दो। जिसके बाद अगस्त कहता है पेन नहीं मेरे पास। जिसके बाद पाखी जो है वो पेन निकालती है अगस्त की जेब से और कहती है कि बेवकूफ़ समझ रहे हो मुझे, और फिर उसके ऊपर बहुत तेज़ चिल्लाती है और फिर यहाँ पर रख कर वो साइन करती नज़र आती है। जैसे ही वो साइन करती है आप देखेंगे जो पाखी के हाथ हैं वो कांप जाते हैं और फिर पाखी जो है वो अगस्त की तरफ देखती है। अगस्त और पाखी का एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट देखने को मिलता है। जाहिर तौर पर पाखी जो है वो अगस्त से प्यार करने लगी है। जी हाँ, भले ही उसे ऐसा लगता था कि अगस्त ने उसे धोखा दिया, भले ही उसे ऐसा लगता था कि वो ईशान को प्यार करती है, लेकिन सच तो ये है कि पाखी को इस बात का एहसास हो चुका है कि अगस्त ही उसकी ज़िंदगी के लिए सबसे बेस्ट है। बात करें पाखी की तो पाखी जो है वो कब का माफ़ कर चुकी है अगस्त को, और उसने साफ साफ अगस्त की दादी को भी बोल दिया था कि उसे अब उसके कर्मों की सज़ा चुकी है, वो जो कुछ भी उसने किया था वो अपनी सज़ा भुगत चुका है। और सच मायनों में तो अगस्त ने अपनी सारी सज़ा भुगत ली है। उसने जो है वो टॉर्चर झेला है मीरा का, उसने टॉर्चर झेला है सारी चीज़ों का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं से वो सब कुछ भुगत चुका है। उसने ये भी भुगत लिया है कि वो पाखी को खोता भी नज़र आया था और जिसकी वजह से वो पागल भी हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो अगस्त के साथ हुई हैं वो कहीं ना कहीं से उसके सारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए काफ़ी है, और यही बात जो है वो पाखी भी समझ रही है कि जो है वो अगस्त को प्यार करने लगी है। तभी तो देखिए ना, पाखी की आंखों में अगस्त के लिए अब प्यार दिख रहा है। यहाँ पर जब पाखी अगस्त पर चिल्लाती है तो अगस्त भी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। पाखी को अगस्त ऐसे देखता है लेकिन वो उसे गले नहीं लगा पाता, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पाखी जो है वो कुछ इस चीज़ को इग्नोर करे कि वो दोनों साथ नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि पाखी और अगस्त की शादी किस सिचुएशन में हुई थी, वो सब भी आप जानते ही हैं। अगर आपने शुरू से ही फना इश्क में मर जावा सीजन 3 को फॉलो किया होगा तो आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से धोखे के साथ शादी करता है अगस्त पाखी से, और फिर पाखी जो है वो लगातार अगस्त से बदला लेने की भी प्लानिंग करती नजर आई थी। लेकिन यहां पर अब पाखी पूरी तरीके से अगस्त से प्यार करने लग गई है, और अब जो है यहां पर जब वो तलाक पेपर पर साइन कर रही है तो उसके हाथ कांपते नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि पाखी और अगस्त की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि ये डिवोर्स तो बिल्कुल भी नहीं देने वाली है पाखी। फिलहाल आप सब कितने इंटरेस्टेड हैं पाखी और अगस्त की लव स्टोरी देखने के लिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी लेटेस्ट खबरों के लिए फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फिल्मी बीट फेसबुक पेज को फॉलो करें।